हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में साइन इन करना सिखाऊंगा। और गाइस, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से साइन इन करना सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, साइन इन करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी होंगी। उसके लिए आपको माइनक्राफ्ट की सेटिंग में आ जाना है। गाइस, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आपको इसे ऑन विथ वाईफाई ओनली पर से इसे ऑन विथ वाईफाई और मोबाइल डाटा पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज सेलुलर डाटा दिख रहा होगा, तो इस पर भी क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। फिर आपने सिंपली अपने मोबाइल डाटा को ऑन करके साइन इन पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे भी आपने साइन इन पे क्लिक कर देना। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वन दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे एक न्यू ईमेल क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक ईमेल क्रिएट करके बताता हूँ। गाइज, ईमेल क्रिएट करते समय इसमें नंबर और लेटर दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल क्रिएट कर लिया है, इसके सामने थोड़े नंबर्स लिख लेता हूँ। तो इस तरह से आपको भी एक ईमेल क्रिएट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड दिख रहा होगा, तो इसमें आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। मैं भी फटाफट इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी बर्थ डेट डाल देनी है, जो भी आपकी बर्थ डेट हो, और यहाँ पे ईयर मंथ जो है डाल देना। इतना करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने थोड़ी यहाँ पे लोडिंग होगी, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है थोड़ी देर। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होगा, तो इसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि पिक वन स्क्वायर दैट शोज टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, तो मैंने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक डन का ऑप्शन भी आ चुका है। गाइज, आपको भी सिंपली इतना कर लेना है। उसके बाद आपका माइनक्राफ्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। फिर आप कुछ इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगो दिख रहे होंगे, तो इसमें से आपको एक लोगो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं भी यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे गेमर टैग दिख रहा होगा, तो इसमें आपको एक यूजर नेम लिखना है जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने चैनल का नाम लिख के बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये नाम एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़े नंबर सेट कर लेता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट टिक आ गया है, यानी इस नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपली इतना करने के बाद आपको लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको लेट्स गो दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद आपका माइनक्राफ्ट फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा, तो आपको अपना अकाउंट भी साइन इन देखने को मिल जाएगा। तो आप मेरा भी यहाँ पे साइन इन देख सकते हैं। तो गाइज, बहुत ही इजीली हमने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में साइन इन कर लिया, और इसी तरीके से आप भी साइन इन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी माइनक्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो के लिए। तो हम मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय।